केतु भगवान शंकर के बड़े अच्छे भक्त थे। राजा हमेशा नित्य निरंतर भगवान शंकर का पूजन करते थे, उनका अभिषेक करते थे, भगवान शंकर की बड़ी सेवा शुश्रूषा करते थे। उनके जो है राज्य में प्रजा बड़ी सुखी रहती थी, बड़े आनंद में रहती थी। प्रजा हमेशा आनंद सुख भोगती थी उनके राज्य। अब एक दिन जो है दैवयोग ऐसा हुआ, उनकी मृत्यु का समय आ गया। भगवान के शंकर के बड़े अच्छे भक्त थे, शिवालय में जाते, रोज भगवान का पूजन अर्चन वंदन करते, हमेशा दूसरों पर दया भाव रखते। कोई साधु सन्यासी आ जाता, उनकी सेवा शुश्रूषा करते। बोलिए शंकर भगवान की, बड़ी सेवा शुश्रूषा करते भाव से। अब एक दिन उनका मृत्यु का समय आ गया, तो जो है यम के दूत उन्हें लेने के लिए आ गया। और उस समय राजा पूजन कर रहे थे, शिवालय में बैठे हुए थे, शिवालय में बैठ करके भगवान शंकर का भजन कर रहे थे। भगवान शंकर का जब भजन कर रहे थे, उस समय यम के दूत आए, अब आकर के शिवालय के बाहर खड़े हो गए। भाभी मेट सकहिं त्रिपुरा, शिवालय के बाहर जो है यम के दूत खड़े रहे, प्रतीक्षा करते रहे कि महाराज की जब पूजा पूरी हो तो हम इन्हें लेकर के जाएं। अब राजा ने पूजा करी भगवान की, दिव्य सेवा शुश्रूषा करने के बाद, और राजा बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगा, भगवान का जप करने लगा। तो अभी यम के दूत बहुत देर तक खड़े रहे, जब राजा का ध्यान ही पूरा नहीं हुआ, शिवालय में बैठा रहा, तो यम के दूत प्रतीक्षा करते रहे कि शिवालय में जाना ठीक नहीं होगा, वहां से इसको लेकर के आना ठीक नहीं होगा, इसलिए यम के दूत खड़े रहे। अब तो यम के दूतों को आने में बड़ी विलंब हो गया, बड़ी देर हो गई, तो यमराज स्वयं आ गए। अब ये यमराज ने भी देखा कि राजा पूजन कर रहा है, तो अब ये पूजन में तो इसको लेने जा नहीं सकते, अगर पूजन में इसको लेने के लिए गए तो बड़ा अपराध हो जाएगा, शिवालय में प्रवेश नहीं कर सकते। इतने में तो काल आ गया स्वयं। अब काल आया, आकर के जो है देख करके बड़ा क्रोधित हो गया कि इतनी देर से आप लोग खड़े हुए हो, और इतनी देर से खड़े खड़े क्या प्रतीक्षा कर रहे हो, जाओ राजा को लेके आओ। अब जो है यमराज ने मना किया काल से कि भैया अंदर जाना ठीक नहीं होगा। वो तो जो है बड़े क्रोध में आ गया, अपनी तलवार निकाली और शिवालय में घुस गया। शिवालय में अंदर प्रवेश कर लिया काल ने, और तलवार निकाल करके जैसे ही वो राजा की श्वेत केतु की गर्दन काटना चाहता था, वैसे ही भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया कि मेरे यहाँ पर बैठ कर के जो मेरा भक्त भजन कर रहा है, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने से ही उसको उठा कर ले जा, तेरी इतनी हिम्मत कब से हो गई। भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, काल जल करके वहां भस्म हो गया। काल जल करके जब भस्म हुआ, थोड़ी देर बाद राजा जो है श्वेत केतु का ध्यान पूर्ण हो गया। अब उन्हें तो पता ही नहीं था कि हम ध्यान में बैठे थे, जब तक जहां काल जल के राख बन गए। अब वो जैसे ही ध्यान पूरा हुआ, नेत्र खोल के भगवान को प्रणाम किया, बाजू में देखा तो राख का ढेर लगा पड़ा। अब वो बाजू में देखा, शंकर जी से कहता है, भगवान मैं तो पूजा कर रहा था, जो राख का ढेर कौन बना के चला गया, ये इतनी सारी राख कहां से आ गई। भगवान शंकर कहते हैं कि ये जो है काल आया था तुम्हें लेने के लिए, और काल तुम्हें लेकर के जा रहा था, तुम्हें ना ले जाए, इसलिए मैंने जो है इसको जला करके भस्म कर दिया। अब राजा तो जो है रोवे सो रोवे कि आपकी क्या दया है प्रभु, मैं तो पूजा कर रहा था, आपके सामने से मुझे भगवान की कृपा का जो पात्र होता है, भगवान की कृपा जिस पे हो जाती है, उससे काल भी मृत्यु भी डरती, मृत्यु भी आशा में नहीं आ सकती, वह भी समय बता करके आएगी। आपने देखा होगा कई लोगों को,
मृत्यु के 8 दिन पहले बता देते, 1 साल पहले बता देते कि फला समय फला दिन इतने बज के इतने मिनट पर मृत्यु होगी हमारी, और उसी समय मृत्यु होती है। कई लोगों को देखा होगा कि भजन करते हुए बोल के जाते हैं कि भैया आज हमारा समय निकट आ गया, आज हम शरीर छोड़ेंगे। कई लोगों को देखा होगा आपने, कई लोगों की ऐसी मृत्यु हुई होगी कि वो बता के कि हम आज इतने बजे चले जाएंगे, भैया सब अच्छे हंसी खुशी से रहियो, सब ऐसा करियो, तू वैसा करियो, तू वैसा करियो, सारा कुछ बता करके भगवान का भजन करते हुए देह त्यागते। काल भी मृत्यु भी उन्हें बता करके आती है, जब सही यथोचित समय होता है। भगवान शंकर की ऐसी कृपा होती है भक्तों के ऊपर, अपने भक्तों के ऊपर ऐसी कृपा होती कि मृत्यु भी जब आती तो बता करके आती है। बगैर बताए भगवान के भक्तों को मृत्यु नहीं आती, उनको 1 साल पहले ही पता चल जाएगा कि अब हमारा अंतिम समय आ गया। ऐसे मैंने हजारों मृत्युओं देखी जिन्होंने 1 साल पहले घोषणा कर दी कि आज से 1 साल बाद इस एकादशी को इतने बज के इतने मिनट पे हमारी मृत्यु हो जाएगी, और उस एकादशी को 1 साल बाद उतने बज के उतने मिनट पे उनने शरीर देह त्याग दिया। ये सब संभव कहाँ से हुआ, ये सब कृपा कहाँ से प्राप्त हुई? भगवान शंकर की कृपा है। भगवान शंकर जब कृपा कर देते हैं तो मृत्यु भी उसके यहाँ पानी भरती है। बोले शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। भगवान शंकर अगर जिस पे कृपा कर दे तो मृत्यु भी जो है उसके यहाँ पानी भरने जाती है। अन्यथा भगवान की कृपा में अगर थोड़ी सी कमी रह गई प्यारे, तो पता नहीं चलता, पता नहीं चलता, बैठा बैठा आदमी कब लुढ़क गया। ये सब कृपा शंकर की। अब राजा से जो है यमराज प्रार्थना करते हैं कि भैया तेरी बड़ी पूछ पकड़ है भगवान के श्री चरणों, तू ही जो है कुछ कर, भगवान से प्रार्थना कर, अब जब काले ही जल करके भस्म हो गया तो दुनिया में मृत्यु होना बंद हो जाएगी, दुनिया में कोई मरेगा ही नहीं, क्योंकि काल तो जल के तेरी वजह से भस्म हो गया। अब कोई मरेगा ही नहीं तो ये पृथ्वी पर त्राही त्राही मच जाएगी। यमराज ने, यम के दूतों ने राजा से बड़ी अन्य विनय करी। राजा फिर गया भगवान शंकर के पास। शंकर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे मेरे प्रभु, मेरी वजह से ये काल को आपने जला करके भस्म कर दिया, आप ऐसी कृपा करें कि ये काल पुनर्जीवित हो जाए, क्योंकि भाभी मैट सकहीं त्रिपुरारी, लिखे हुए को बदलने का अगर सामर्थ्य रखते हैं तो वो भगवान शंकर रखते हैं। भगवान शंकर के अलावा दुनिया में कोई लिखे हुए को बदल नहीं सकता, लेकिन भगवान शंकर एक ऐसे देवता है, जरा सा हमने बीलपत्री चढ़ाई, जरा से हमने पुष्प चढ़ाए, जरा सा हमने जल चढ़ाया, जरा सा हमने ओम नमः शिवाय कह दिया, तो लिखे हुए को भी टालने का सामर्थ्य मेरे शिव रखते हैं। उसने भगवान शंकर से राजा श्वेतकेतु ने प्रार्थना की कि महाराज ये काल जल करके भस्म हो गया, आप भले ही मेरे भजन का पूरा फल ऐसे मिल जाए, लेकिन इसको जीवित कर दीजिए। राजा श्वेत केतु की प्रार्थना सुनकर के भगवान शंकर प्रसन्न हुए, और उस प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने काल को पुनर्जीवित किया। भगवान शंकर ने काल को पुनर्जीवित कर दिया। काल ने भी जो है बड़ी क्षमा याचना राजा श्वेत केतु से की, और श्वेत केतु से क्षमा याचना करने के बाद हम लोग को चले गए। फिर राजा हजारों वर्ष तक जी करके और भगवान शंकर की कृपा से उनके ही दिव्य तेज में राजा का दिव्य ज्योति तेज समाहित हुआ। ऐसी भगवान शंकर की कृपा है जो मृत्यु को भी टाल दे, और जिसको मृत्यु आती है ना प्यारे, मृत्यु के जैसा, जन्म और मृत्यु के जैसा कोई कष्ट नहीं है। मृत्यु के समय जब यह जीव आत्मा शरीर त्यागती है ना, इतनी तकलीफ होती है जैसे करोड़ों बिच्छू एक साथ दंश कर रहे हैं। करोड़ों बिच्छू एक साथ काटने में जो दर्द होगा, वह पीड़ा शरीर में होती है जब यह देह जीव त्याग करके जाता है।
हाँ ये जरूर है कि आदमी जो है मनो विनोद में कह देता है कि अरे भैया इससे अच्छा तो मर जाना है, बाकी मृत्यु जो है हर आदमी जीना चाहता है, हर आदमी जीना चाहता है। मनो विनोद में कह जरूर दे कि मृत्यु हो जाए इससे अच्छा तो। एक बार एक जो है एक गांव में एक बुजुर्ग माता थी, बोली शंकर भगवान की। एक बार गांव में एक बुजुर्ग माता थी, अब वो उसकी बहू बड़ी लड़े, बहुत लड़े बहू। अब वो जब भी बहू से लड़ाई हो तो वो एक ही बात कहे कि इससे अच्छा तो मौत आ जाए। अब वो बार बार कहे, बार बार कहे, जब भी लड़ाई हो तभी कहे इससे अच्छा तो मौत आ जाए। एक दिन क्या हुआ कि बहू की और सासू माता की लड़ाई हो रही, इतने में बेटा और आ गया, उसने भी थोड़ा सा कुछ कह दिया। अब तो जो है और ज्यादा गुस्सा हो गई कि इससे ज्यादा, इससे अच्छे तो मेरी मौत आ जाए, इससे अच्छा तो मेरी मृत्यु आ जाए। अब वो बड़े क्रोध में जो है खेत चली गई, खेत में घास काटने लग गई, खेत में घास काटने लग गई। जब और खेत में घास का क्रोध में घास काट रही थी, बोली शंकर भगवान की। गुस्से में जो है माता घास काट रही, अब गुस्से में माता अधिक काम कर ली थी, और एक घंटे में जितना काम होगा उससे दो गुना ज्यादा गुस्से में एक घंटे में काम हो जाएगा। अब वो गुस्से में घास काट रही और कहते जा रही इससे अच्छी तो मौत आ जाए, इससे अच्छी तो मृत्यु आ जाए, और घास काटते जा रही। अब बढ़िया उसने घास की फिर जो है ज्यादा घास काट ली, एक बड़ी पोटली बना ली, बड़ी पोटली बना करके सामने रख ली। अब वो उठावे तो उसका वजन ज्यादा, क्योंकि पोटली जो है बड़ी बनी। अब वो पोटली उठावे तो उठे ना, और जब पोटली उठे ना तो कहे कि इससे अच्छा तो मौत आ जाए। अब मौत ने सोचा कि दिन रात वजन कर रही है तो मैं आ जाऊं, सामने आके खड़ी हो गई कि रोज बुलाती है इससे अच्छा मौत आ जाए, इससे अच्छा मौत आ जाए, ले आ जा गई, क्या करना है बता। अब वो तो घबरा गई कि अरे आज तो सही में आ गई लेने के लिए, कहा चल साथ में मेरे। कहा नहीं नहीं जाने वाने के लिए थोड़े ही बुला रही थी, तो फिर काहे को बुलाया मुझे, कहती इससे अच्छा तो मौत आ जाए। अरे मैं जाने के लिए नहीं बुला रही थी, अरे वो तो ये घास की पोटली बड़ी हो गई थी और डना रही थी तो उठवाए दे मेरे को, इसलिए बुलाए। आदमी कहता जरूर है आसानी से कि मौत आ जाए, लेकिन मौत जब आएगी ना आदमी बड़े भयावह स्थिति में पहुंच जाता है। आदमी बचने के लिए कितने यत्न करता है, कितने प्रयत्न करता है, लेकिन अंतिम सत्य यह है कि मृत्यु आएगी ही। आदमी जो है सारे काम कर रहा है लेकिन मृत्यु की तैयारी नहीं कर रहा है। मृत्यु की तैयारी कैसे होती है? भगवान के भजन से। जिसने भजन नहीं किया, जिसने परमार्थ नहीं किया, उसे मृत्यु का हमेशा भय रहेगा, और जिसने तैयारी कर ली उसे भय नहीं रहेगा, उसे कभी भय नहीं रह सकता, भय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो जो है आप यात्रा करते हो ना, जिसकी टिकट होती है, जिसकी टिकट होती है यात्रा की, उसे भय होता है क्या? अगर बिगड़ टिकट के विदाउट बैठ जाओ ट्रेन में तो हमेशा जहीं से धुक धुकी चालू हो जाएगी जबलपुर तक, जब टीजी नहीं आ जाए, भले ही जेब में 25,000 रखे, 2,500 रुपए लेगा, भले ही जेब में 25,000 रखे 2,500 लेगा, वो कोई बात नहीं, लेकिन भय रहेगा मन में कहीं आ नहीं जाए। और भय काय का रहेगा कि ये बड़ा अपमानित करेगा, पैसा तो लेगा, पैसा लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन इतना बुरा बोलेगा इतने लोगों में तबीयत हरी कर दे। भय क्या है? क्योंकि टिकट नहीं है, तैयारी नहीं है यात्रा की। अगर यात्रा की हमारी तैयारी होती तो हम बढ़िया रईसी से बैठ के जाते, किसी का भय रहता क्या? हमें उज्जैन जाना है, उज्जैन जाने के लिए 1 महीने पहले टिकट करवाएंगे, फिर 15 दिन पहले से सामान खरीदारी करेंगे, कपड़े खरीदेंगे, और फिर यात्रा पे जिस दिन जाएंगे सुबह से तैयारी में लगे रहेंगे। यात्रा कितने दिन की? 2 दिन की। 1 महीना पहले से यात्रा करोगे, यात्रा 2 दिन की, 1 महीना पहले से मानसिक रूप से तैयारियों में लग जाओगे, और 2 दिन की यात्रा करके उज्जैन जाओगे, 2 दिन की यात्रा करके वापस आ जाओगे। यात्रा कितने दिन की? 2 दिन की। तैयारी कितना? 1 महीना लगा दिया।
और जहाँ पे जे शरीर हमेशा के लिए छोड़कर फिर तो जे शरीर में वापस नहीं आ सकते ना, क्योंकि इससे आत्मा निकली भूंग दिया जाता है शरीर, फिर तो इसमें वापस नहीं आता ना। हमेशा जहाँ सदा सर्वदा की यात्रा पे तुम्हें जाना है, उसकी कोई तैयारी है क्या? जिसकी मृत्यु की तैयारी होती है उसे मृत्यु का भय नहीं होता प्यारे, और जिसकी मृत्यु की तैयारी नहीं उसे मृत्यु का भय होता है। बोलिए शंकर भगवान की। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी ना चांदी आएगी।